जनवरी का महीना संक्रांत का त्योहार और पतंगबाजी का जोर, इसी के साथ आज के दौर में उपयोग में लाया जा रहा है नायलॉन मांजा। इसका विरोध करने हेतु चंद्रपुर कांग्रेस कमेटी, पर्यावरण विभाग, जिलाधीश ताज कुरेशी, इन्होंने चंद्रपुर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। त्योहार मनाना ये हमारी संस्कृति है। इसी परंपरा में हम संक्रांत के दिन पतंग उड़ाते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। लेकिन आज नायलॉन मांजा का गैर कानूनी इस्तेमाल इस कदर बढ़ गया है कि इससे राहगीरों को जख्मों का सामना करना ही पड़ता है। साथ ही साथ बेजुबान पंछियों को भी कई बार जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इसी संदर्भ में चंद्रपुर शहर में जन जागृति के साथ ही चंद्रपुर कांग्रेस कमेटी के पर्यावरण जिलाध्यक्ष ताज कुरेशी, इन्होंने चंद्रपुर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त पाटिल जी को ज्ञापन सौंपा। इस समय आयुक्त महोदय ने भी पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने के लिए साथ में एजाज खान, परवेश शेख, अखिलेश जनबंधु, शरीफ भाई और अन्य मौजूद थे। जो है अभी संक्रांत है और नायलॉन मांजा का प्रकोप है, तो इसके बाबत आपने जो है निवेदन दिया है, तो ये निवेदन में क्या आपने दिया और आपको कैसी प्रतिक्रिया दी है आयुक्त साहब? देखिए कि हम हर वर्ष देख रहे हैं, पिछले 10 से 12 साल हम देख रहे हैं, 10 से 12 साल पहले से, कि जो आए दिनों ये नायलॉन मांजे के शिकार हो रहे हैं। ये हमारे सोशल यानी कि लोगों में तो होता ही है, इसमें बच्चों की हानि होती है, यानी कि मान के चलिए क्या बच्चों को ये एक आदि हो गया, जैसे एक मिनट की डोर काटने के लिए इतना मजबूत मांजा और इतना नायलॉन का मांजा यूज़ किया जा रहा है। और इस पर इसका अगर देखोगे इसके दुष्परिणाम बहुत से हम लोग देख रहे हैं। पिछले 10 से 12 साल हो गया है ये नायलॉन मांजा बहुत तकलीफ दे रहा है, यानी कि इससे जो राह चलते लोग हैं, जो साइकिल से जाते हैं, दुर्घटना हो रही है, जैसा गाड़ियों से जाते हैं तो उनमें ये दिख पड़ता है। पर इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर हम आज के तारीख में देख रहे थे, इसमें पंछियाँ बहुत मर रहे, पंछियों का इसमें बहुत से पंछी जख्मी हो रहे हैं जिनके कारण वो उड़ नहीं पाते और बहुत से पंछी जो है मर जाते हैं। अभी मुंबई के सर्वे के हिसाब से पिछले साल 1000 बर्ड्स में से केवल मात्र 30 बर्ड है जो जिंदा थे और तकरीबन 960 से 970 बर्ड मर चुके हैं। ये यानी कि एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से, मुंबई के सर्वे के हिसाब से हमें पता है। और चंद्रपुर में ही नहीं और नागपुर में भी इसकी दुर्घटना के शिकार बहुत से जैसे पंछी, पशु और जानवर इसका, क्योंकि वो नायलॉन मांजा का एक ही रीज़न रहता है, वो टूटता नहीं है, उससे कैसा कटता है और उसमें जो सटीक जो लगा हुआ रहता है जो कांच, वो बहुत हार्मफुल होता है जी। और उसकी वजह से जो चोट लगती है तो उसके बहुत से दुष्परिणाम होते हैं। करके मैं चंद्रपुर की लोगों से, जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार हम सब मिलके इस नायलॉन मांजे का बहिष्कार करें, हम सब मिलकर ये नायलॉन मांजा रोके और इस संदर्भ में पशु पंछी जो कि जो दर्द है, दुख है, वेदनाएं है, ये अपने बच्चों को वो वेदनाओं को समझे, कि वो फील कर सके। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि हम मिलकर, और हमने जो अभी महानगर पालिका को जो निवेदन दिया है इसी संदर्भ में दिया है कि महानगर पालिका ने इसे जहाँ पे नायलॉन मांजा का यूज़ होता है ऐसे दुकानों में या तो ऐसे कहीं पे भी सोशल एरिया में अगर आपको दिखता है तो इसका बहिष्कार करें और उन पर दंडात्मक कार्रवाई करें और उस पर एक रोक प्रतिबंध लगाने की हमें जरूरत है और वो प्रशासन ने करनी चाहिए। एनबीसी न्यूज़ के लिए चंद्रपुर से रत्नाकर मुड़ी की रिपोर्ट।